कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस पूरे जोश से आगे की प्लानिंग कर रही है। अब आप इसे कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं कि कांग्रेस विपक्षी एकता वाले राग से थोड़ा इतर खुद को स्टैंड करने में लगी है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। इसको देखते हुए पार्टी ने शुक्रवार 26 मई, शनिवार 27 मई, रविवार 28 मई को दिल्ली में बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच हो रही तनातनी पर भी चर्चा हो सकती है। जाहिर है ये गहलोत और पायलट वाला मामला ज्यादा गंभीर है और कांग्रेस को इससे निपटना आसान नहीं दिख रहा और शायद इसी वजह से कांग्रेस में लगातार रार की खबरें सामने आती रहती हैं। लेकिन उड़ती उड़ती जो खबर है उसके मुताबिक आपको बता दें, अब इस तनातनी को खत्म करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्लान बना लिया है। सूत्रों ने कहा है कि 26 मई को राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक के दौरान ही सचिन पायलट और गहलोत के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश होगी। अगर मामला सुलझ जाता है तो ठीक है, वरना फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसके बाद आने वाले दिनों में पायलट पर कोई आखिरी फैसला कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी में कई नेताओं का मानना है कि ऐसे चुनाव में नहीं जाया जा सकता है। एक तरफ पार्टी प्रचार में लगी होगी, दूसरी तरफ पायलट विरोध करेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। लंबे वक्त से चली आ रही पार्टी के भीतर की इस फूट से राजस्थान में कांग्रेस बैकफुट पर है। हालांकि अब चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने राजस्थान के झगड़े को सुलझाने की कवायद तेज कर दी। पायलट और गहलोत की लड़ाई शांत कराने के लिए जिम्मा अब खुद कांग्रेस आला कमान ने संभाल लिया है। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 26 मई को दिल्ली पहुंचेंगे तो राजस्थान कांग्रेस के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ में रहेंगे। इसके अलावा सचिन पायलट, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी बैठक में शामिल होंगे। यानी इस वक्त गहलोत और पायलट दोनों आमने सामने होंगे। बताया जा रहा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी खुद बैठक में मौजूद रहेंगे। कर्नाटक के बाद कांग्रेस का पूरा फोकस राजस्थान पर है, लेकिन राजस्थान की जो सियासत है वो कांग्रेस को परेशान कर रही है। बीजेपी की वजह से जितना कांग्रेस परेशान नहीं है, उतना इन दोनों के मसले को लेकर कांग्रेस खुद को सबसे ज्यादा नेगेटिव फील कर रही है। कर्नाटक में सुलह की तर्ज पर कांग्रेस राजस्थान में भी विवाद का निपटारा कर सकती है। चुनाव से पहले कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में है ताकि कांग्रेस पर उंगली ना उठे। हालांकि यहां राह आसान नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट के बगावती तेवरों ने अशोक गहलोत और कांग्रेस की नाक में दम किया हुआ है। पिछले कुछ समय से पायलट के तेवर और ज्यादा तल्ख हैं। इसी के आप बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पायलट ने अपनी सरकार को 31 मई तक का अल्टीमेटम दिया है और उसके बाद आंदोलन की को चुनने की राह कही है। मालूम हो कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में लंबे समय से तलवारें खींची हुई हैं। ये पूरी लड़ाई कुर्सी की थी जो गाहे बगाहे कई बार सार्वजनिक तौर पर सामने दोहराई जा चुकी है। एक वक्त पायलट की बगावत से गहलोत सरकार संकट का सामना कर चुकी है। हालांकि उस समय पायलट मान गए, लेकिन उन्होंने गहलोत का विरोध अभी तक छोड़ा नहीं है। कई मौकों पर पायलट खुद इस पर बयान दे चुके हैं। चुनाव से पहले मौजूदा समय में पायलट बगावत का झंडा लिए फिर रहे हैं। सचिन पायलट मामले में एक्शन को लेकर फिलहाल कांग्रेस के नेता वेट एंड वॉच की स्थिति में है। पायलट मामले में पहले मुखर रहे प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी कुछ भी सीधा बयान देने से बच रहे हैं। पायलट पर एक्शन के सवाल पर रंधावा कह रहे हैं कि मेरे लिए यही दोनों लीडर यानी गहलोत और पायलट ही नहीं है, मेरे पास राजस्थान में दोनों के अलावा और भी बहुत लीडर हैं, इनसे मैं बात कर रहा हूं, हर लीडर के साथ बात कर रहा हूं। रंधावा दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पायलट की यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर रंधावा ने कहा, सचिन पायलट की यात्रा का मामला पुराना है, कोई नई बात कीजिए। पायलट मामले में बैठक के सवाल पर रंधावा ने कहा, चार चुनावी राज्यों की बैठक बुलाई गई है, राजस्थान को लेकर अलग से कोई मीटिंग नहीं है, यानी इसी मीटिंग में सारी बात होगी। चुनावी तैयारियों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई है, जो जितने लीडर हैं सभी लीडर आएंगे, वहां कोई पार्टी के अंदरूनी राजनीति पर बात नहीं होगी। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां तैयारियों पर बैठक होगी। सचिन पायलट के अल्टीमेटम के सवाल पर रंधावा ने कहा, अल्टीमेटम का जवाब चीफ मिनिस्टर दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अब ये मामला मेरे पास आएगा तो मैं जवाब दूंगा। कांग्रेस की बैठक की अगर बात करें तो कांग्रेस की बैठक में पायलट को बुलाने पर भी उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के लीडर हैं, हमने सब कांग्रेस के नेताओं को बुलाया है तो सब आएंगे।
इधर सचिवालय के पास योजना भवन के बेसमेंट में रखी अलमारी से मिले 1,31,00,000 कैश और गोल्ड के मामले में बीजेपी भी अब गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई है। कुछ राज्यों में बीजेपी के साथ कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जन संघर्ष यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के नेता और सीएम अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इसे पायलट की निजी यात्रा बताया। पायलट लगातार कह रहे हैं 4 साल से ज्यादा हो गए हैं लेकिन राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर कुछ किया ही नहीं। मैंने सीएम अशोक गहलोत को 2 बार मामले पर लेटर लिखा, कोई जवाब नहीं आया। हाल ही में अशोक गहलोत ने पायलट और उनके गुट पर निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार गिराने के लिए विधायकों ने बीजेपी से पैसे लिए थे। इस पर पायलट ने पलटवार किया कि गहलोत गलत बयान दे रहे हैं। अगले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस इन राज्यों में चुनावी रणनीति पर काम कर रही है और 24 मई को राज्य के नेताओं की एक बैठक, छोटी सी बैठक है, 26 मई को भी है। उधर पार्टी के लिए अभी सबसे बड़ा सिरदर्द है राजस्थान। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच 2020 से सत्ता को लेकर खींचतान है। ऐसे में राजस्थान चुनाव को लेकर रणनीति बनाना बहुत मुश्किल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस चुनौती से